वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए गाइड टू डिसीजन मेकिंग फॉर द नोटिसेस ऑन अलेज बोगस डोनेशंस। तो आइए देखते हैं इस गाइड के टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस गाइड, दूसरा डिस्कशन हमारा रहेगा व्हाई दिस नोटिसेस हैव बीन गिवन टू द टैक्स पेयर्स। आगे हम डिस्कस करेंगे जिनको ये नोटिस मिली है उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जर्नी कैसी रहेगी। उसमें मैंने दो ऑप्शन कवर किए हैं, अगर डोनर इस जर्नी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने सरेंडर कर देता है तो क्या होगा, और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो क्या होगा। बट ऑब्वियस है, अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो इनकम टैक्स अधिकारी इस डोनर की टोटल इनकम में बोगस डोनेशन ऐड करने वाला है। अगर वो इनकम में ऐड हो जाता है तो डोनर के पास आगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्या रेमेडी है उसका मैंने विस्तार से यहाँ डिस्कशन किया है। अगर कोई डोनर ने सब्सिक्वेंट ईयर्स को लेकर भी डोनेशन दिए हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो उस सिचुएशन में उनके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में भी मैंने कुछ यहाँ पॉइंट रखे हैं। तो आइए देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग दिस गाइड। ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड। वेयर द केयर एंड कंसर्न इज फॉर दोज डोनर्स जिनको ये नोटिस मिली है, तो डोनर ये गाइड पढ़ के ठीक ठीक डिसीजन ले पाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। दो चीज़ों को लेकर, एक जो असेसमेंट 1920 को लेकर उनको सेक्शन 148 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस मिली है, और दूसरा अगर उन्होंने सब्सिक्वेंट ईयर को लेकर डोनेशन दिए हैं तो उसके लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए आगे देखते हैं इस नोटिस जारी करने का बैकग्राउंड क्या है। तो इनकम टैक्स का ये कहना है कि हमने करीबन, जैसे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमने करीबन 4000 टैक्स पेयर को ऐसी नोटिस जारी की है, उन्होंने कुछ डोनेशन दिया है 23 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ने सेक्शन 148 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेसमेंट 1920 को लेकर नोटिस दी है। क्या वजह है इस नोटिस देने के पीछे? तो इनकम टैक्स का ये कहना है कि वी हैव कैरिड आउट सर्च, हमने सर्च एक्शन कंडक्ट किए हैं और सर्च के दौरान हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन उनको बरामद हुई है, और उनके पास जो मुख्य इन्फॉर्मेशन है ये है कि ये जो 23 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको डोनेशन दिया गया है, दे वेर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंट्री बाय वे ऑफ बोगस डोनेशन। और इनकम टैक्स का ये कहना है कि डोनर ने डोनेशन भले ही दिए हैं चेक से, RTGS से, NEFT से, लेकिन ये 23 पॉलिटिकल पार्टीज ने यही डोनेशन ओरिजिनल डोनर को लौटाए हैं, और ये लौटाने में उन्होंने कुछ लेयर्स क्रिएट किए हैं, और ये डोनेशन जो ओरिजिनल डोनर को लौटाया है उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ कैश, और ये सारी सर्विसेज देने के लिए कमीशन चार्ज किया गया है 3.5% से 5%, और जो लेयर्स हैं करीबन 35 लेयर्स क्रिएट किए गए हैं, और तीन बड़े बड़े एग्जिट प्रोवाइडर्स जिनको इंटरमीडिएटरी बोला जाता है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, वो भी इनकम टैक्स ने वहाँ भी सर्च कैरी आउट किया है। और इनकम टैक्स का ये कहना है कि डोनर ने भले ही RTGS चेक NEFT से डोनेशन दिया है, लेकिन यही डोनेशन कमीशन काट कर डोनर को वापस कैश के फॉर्म में लौटाया गया है, इसलिए डोनर ने जो टैक्स बेनिफिट लिया है वो गलत है, इसलिए नोटिसेस दी गई हैं। साथ साथ इनकम टैक्स का ये भी कहना है कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसको लेकर, जैसे कि हमने जिनके यहाँ रेड हुए हैं उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं, और उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान इन लोगों ने ये एडमिट भी कर लिया है कि हमने ये डोनेशन लेने के बाद, चेक से डोनेशन लेने के बाद कमीशन काट कर कैश लौटाई है। इसके अलावा इनकम टैक्स को कमीशन कितना चुकाया है उसकी डायरी भी बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ लूज पेपर्स भी मिले हैं, कुछ केस में इनकम टैक्स का कहना है उनके पास व्हाट्सएप चैट भी हैं, कुछ केस में इनकम टैक्स का कहना है उनके पास पूरी एक्सेल शीट बरामद हुई है जिसमें कंप्लीट डिटेल है, किसने डोनेशन दिया है, उसने कब डोनेशन दिया, कितना डोनेशन दिया, उसका कितना कमीशन हुआ, कब कैश लौटाई गई, ये सारा। इसके अलावा इनकम टैक्स का ये भी कहना है कि उनके पास कुछ डिजिटल एविडेंसेस भी हैं। तो ये सारी वजह है 148 ए के अंतर्गत जो नोटिस इशू की गई है उसके पीछे। अब आइए देखते हैं जिनको ये नोटिस मिली है
उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आगे जर्नी क्या होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले तो ये नोटिस जारी किए हैं 148A के अंतर्गत। यहाँ आपको 4 दिन से लेकर 15 दिन का समय दिया जा रहा है, अलग अलग समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रही है। तो 4 to 15 days के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस नोटिस में लिख रही है कि हमारे पास ये सारे इन्फॉर्मेशन है, तो उसके सामने अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आपको आपके टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लेकर इसके सामने ज़रूर से ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए। और कुछ केस तो ऐसे क्लियर कट केस हैं, वहाँ ज़रूर से ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पर कि नोट डोनेशन दिया है हस्बैंड ने, लेकिन डोनेशन दिया है हस्बैंड ने जॉइंट अकाउंट से, जो बैंक में जॉइंट अकाउंट है उसमें से चेक काटा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दी है दोनों को, हस्बैंड को भी दी है और वाइफ को भी दी है, जबकि वाइफ ने तो कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं लिया है। तो वाइफ इस सिचुएशन में ज़रूर से ऑब्जेक्शन रेज करें 148 के अंतर्गत। और उस ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपके जो टैक्स एडवाइज़र हैं, उससे सलाह मशवरा ज़रूर लें। तो यहाँ 2 संभावना है मेरे हिसाब से, कुछ डोनर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, कुछ डोनर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखें, आप ऑब्जेक्शन रेज करें या ना करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो एक ऑर्डर पास करने वाली है अप्रैल महीने के अंतर्गत ही। तो इस अप्रैल महीने के अंतर्गत ही आपको एक ऑर्डर मिलने वाला है 148 कैपिटल ए सब क्लोज डी के अंतर्गत। उस ऑर्डर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप कितना भी लिख लो, इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करने वाली, ये मेरा अनुभव है। और उसके साथ साथ इस ऑर्डर के साथ साथ आपको एक और नोटिस भी जारी की जाएगी, दैट नोटिस इज अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट। ध्यान दिए, ऊपर की नोटिस है 140, ऊपर का ऑर्डर है 148AD के अंतर्गत, उसके साथ अलॉन्ग विद दिस ऑर्डर आपको क्या मिलने वाली है, नोटिस मिलने वाली है 148 के अंतर्गत। उस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि असेसमेंट 1920 को लेकर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वापस दर्ज करना है, यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न अगेन। और उसके लिए जनरली टाइम लिमिट बताई जाएगी, समय अवधि बताई जाएगी। नॉर्मली समय अवधि दी जाती है 30 दिन को लेकर, लेकिन कुछ केस में इनकम टैक्स ऑफिसर मे गिव लेसर टाइम देन 30 डेज। तो आपको इस नोटिस में ध्यान से देखना है कितने दिन में आपको रिटर्न वापस दर्ज करना है। अब जिनको ये नोटिस मिलेगी रिटर्न दर्ज करने की, उसमें वापस 2 संभावनाएं हैं। ध्यान दें, ये मैं 2 संभावनाएं लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके लिए आपको टैक्स एडवाइज़र, आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है, उससे सलाह मशवरा कर ही डिसीजन लेना है। लेकिन मान ले कोई डोनर ऐसा है जिसको सरेंडर करना है इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करते वक्त ही, ठीक है। तो अगर रिटर्न फाइल करते वक्त अगर वो सरेंडर करता है, तो इस सिचुएशन में रिटर्न फाइल करते साथ ही उसको टैक्स और इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो 148 की जो नोटिस आई है उसके सामने अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप सरेंडर कर रहे हैं, तो उस सरेंडर करते वक्त आपको टैक्स और इंटरेस्ट इनकम टैक्स को चुकाना होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि मैं टैक्स और इंटरेस्ट चुकाऊंगा तो फिर क्या मैं फ्री हो जाऊंगा इस नोटिस से? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर। जनरली अगर आप रिटर्न फाइल करने के बाद जब स्क्रूटिनी स्टार्ट होगी, तब आप बता देंगे उनको कि मैंने ये डोनेशन जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बोगस है, और मैंने रिटर्न फाइल करते वक्त ही उसके ऊपर ज़रूरी टैक्स और इंटरेस्ट चुका दिया है। तो ये संभावना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स वहाँ ही स्टॉप कर देगा, लेकिन साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नई प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा जिसको कहते हैं पेनल्टी प्रोसीडिंग। और आपको इस प्रोसीडिंग को बंद करने के बाद एक पेनल्टी प्रोसीडिंग की एक नोटिस दी जाएगी, और मोस्टली ये नोटिस दी जाएगी आपको सेक्शन 270A9 के अंतर्गत, और जहां आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स का ये मानना है कि आपने ये जो टैक्स एडवांटेज लिया है वो गलत है, आपने इनकम कम दिखाई थी पहले, और हमारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, हमारी नोटिस मिलने के बाद आपने सरेंडर किया है, इसलिए मैं आपको पेनल्टी लगाना चाहता हूँ। कितनी? जो बोगस डोनेशन है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके 200%,
और नॉर्मली इस केस में यही नोटिसेस आपको जारी की जाएगी फ्यूचर में अगर आप सरेंडर करेंगे तो। तो मान लीजिए कि आप सरेंडर करते हैं, आप टैक्स देना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं और आपको ये नोटिस भी मिलती है पेनल्टी की, तो आपके पॉकेट पे कितना बर्डन आएगा उसको लेकर मैंने एक छोटा सा टैक्स कैलकुलेशन आपके सामने रखा है। तो ध्यान से देखें, ध्यान दे, मैंने कुछ एजम्पशंस किए यहाँ। पहला एजम्पशन है आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसी महीने में, ठीक है, और रिटर्न फाइल करते वक्त आप सरेंडर कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि डोनेशन मेरा बोगस है, मुझे कैश वापस मिल गई थी। अगर आप सरेंडर करते हैं और मान ले कि डोनेशन की अमाउंट 1,00,000 रुपये थी, ठीक है, और मान ले कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल हो रहे हैं, ये सारे एजम्पशन हैं, यानी जिनका जितना डोनेशन है और जिनका जो टैक्स रेट है उसको लेकर वो उनके टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर उनके मशवरा करके ये कैलकुलेशन करें, और ये सारा कैलकुलेशन जब आप रिटर्न दर्ज करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके देंगे। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, अगर 1,00,000 का डोनेशन है और मान ले टैक्स रेट 30% है तो टैक्स बनेगा 30,000 रुपये, ठीक है, उसके पर 4% आएगा एजुकेशन सेस। मैंने यहाँ सरचार्ज कवर नहीं किया, मैं मान रहा हूँ कि ये टैक्स पे 50,00,000 से टोटल इनकम कम वाले हैं, तो टोटल टैक्स अमाउंट बनेगी 31,200। अब उसके पर उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब ये रिटर्न फाइल हो रहा है आपका असेसमेंट ईयर 1920 को लेकर, वापिस आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 1920 को लेकर, तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 से, जैसे असेसमेंट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से, वहाँ से आपको इंटरेस्ट लगेगा। कब तक? जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब तक। तो मैंने यहाँ एजम्पशन लिया आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसी महीने में, तो 30 अप्रैल तक, तो प्रैक्टिकली आपको 49 मंथ्स का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लगता है 1% प्रति माह, 1% पर मंथ। तो आप 31,200 के ऊपर आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे 15,290, तो आपका टोटल टैक्स और इंटरेस्ट बन जाएगा 46,290 अगर किसी का डोनेशन 1,00,000 है और टैक्स रेट कौन सा है 30%। ध्यान दे, आपको ये 46,290 रिटर्न फाइल करते वक्त ही चुकाना है, इट इज़ पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अभी आपको पेनल्टी नहीं चुकानी है, पेनल्टी की नोटिस आपको बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर जारी करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया सेक्शन 270A सबसेक्शन 9 के अंतर्गत, और वहाँ वो आपको पेनल्टी लगाएगा 200% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप देखें आपका टैक्स कितना है 31,200, उसका 200%, तो सीरियल नंबर 4 पे जो अमाउंट है 31,200 उसका 200%, यानी आपके पर पेनल्टी लगने की संभावना है 62,400। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 1,00,000 रुपये का डोनेशन दिया है अगर वो सरेंडर करता है तो उसको उसके पॉकेट में से 1,08,690 108,690 has to pay। इसके अलावा उसको टैक्स एडवाइजर को फीस भी चुकानी पड़ेगी और रिटर्न फाइलिंग फी भी चुकानी पड़ेगी। तो दिस वुड बी द कैश बर्डन ऑन द पॉकेट ऑफ डोनर, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगर ये डोनर इनकम टैक्स को सरेंडर नहीं करता है तो क्या होगा। अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेल स्क्रूटनी शुरू करेगा, जिसकी सेक्शन बताई जा रही है सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट। ध्यान दें, मैं यहाँ कुछ वर्ड बताने जा रहा हूँ जो मेरा अनुभव है, यहाँ डिटेल स्क्रूटनी करेंगे। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो मैंने डोनेशन दिया उसको लेकर ही सवाल जवाब आगे होने वाले हैं, तो ये आपका जो ख्याल है वो गलत फहमी हो, आप उसको हटा दें दिमाग से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेल स्क्रूटनी करेगी और डिटेल स्क्रूटनी के दौरान आपसे बहुत सारे डिटेल मंगवाएगी आपके इनकम के बारे में, ओवर एंड अबो बोगस डोनेशन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोगस डोनेशन के बारे में आपसे सवाल जवाब होने वाले हैं, आपके साथ बाकी जो आपकी इनकम, मान ले आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बिजनेस इनकम के लेकर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिटेल मांग सकता है। अगर आपकी सैलरी इनकम में आपने कुछ एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत, लाइक HRA वगैरह, तो LTC, तो उसको लेकर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिटेल मांग सकता है, और आपकी डिटेल को देखकर आपके जो इंफॉर्मेशन है, आपके एक्सप्लेनेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस ऑर्डर में ये संभावना है इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम में ये एडिशन करेगा, एक तो आपने जो डोनेशन लिया था दिया था उसको लेकर वो एडिशन करेगा, और इसके अलावा कोई दूसरी इनकम
जिसको लेकर आपने सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे, तो उसको लेकर भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम में ये एडिशन कर सकता है। अब ये ऑर्डर पास होने की मैक्सिमम टाइम लिमिट इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, तो असेसमेंट ईयर 1920 को लेकर जिनको अभी ये नोटिसेस आई हैं उनको लेकर ये ऑर्डर पास होने की मैक्सिमम टाइम लिमिट है 31 मार्च 2025, यानी अगले 2 साल के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर ये ऑर्डर पास कर सकता है। जब ये ऑर्डर पास होगा उसके साथ साथ टैक्स पेयर को 2 चीज़ मिलने वाली हैं, एक तो नोटिस ऑफ डिमांड, यानी आपको इतना टैक्स चुकाना है, ठीक है। इस नोटिस ऑफ डिमांड में इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे क्या मांगेगा, टैक्स और इंटरेस्ट मांगेगा, और इसके साथ साथ आपको एक अलग से एक और नई नोटिस दी जाएगी कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों लागू ना की जाए, और पेनल्टी की सेक्शन नॉर्मली रहेगी 270A सब सेक्शन 9, और पेनल्टी ऑफिसर लिखेगा कि मैं आपके ऊपर 200% पेनल्टी लागू करना चाहता हूं, अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसके ऊपर आपके ख्याल मेरे सामने आपके प्रस्ताव रख सकते हैं। तो आपको पहले क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, उसमें डोनेशन जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी इनकम है जिसके पर आपने संतुष्ट कारक इनकम टैक्स अधिकारी को जवाब नहीं दिया तो वो भी आपकी आय में ऐड हो सकता है। मैंने अभी बताया इसकी संभावना क्या है, कब तक ये ऑर्डर पास होने वाला है, 31 मार्च 25, यानी अगले 2 साल में, और इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें मिलने वाली है, एक तो आपको कितना टैक्स जमा करना है नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 156 के अंतर्गत, और साथ साथ आपको एक पेनल्टी को लेकर एक नोटिस दी जाएगी कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों लागू ना की जाए। ध्यान दे, ये जो नोटिस ऑफ डिमांड दी जाती है टैक्स इंटरेस्ट की, वो आपको चुकाना होता है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन के अंतर्गत बताया गया 30 दिन के अंदर। तो आपको 2025 में जब नोटिस ऑफ डिमांड मिलेगी उसके 30 दिन के अंतर्गत आपको वो टैक्स और इंटरेस्ट का भुगतान करना है। मैं बोल रहा हूँ टैक्स और इंटरेस्ट, अभी पेनल्टी आपके ऊपर लेवी नहीं की गई, पेनल्टी लागू करने के लिए अभी आपको नोटिस दी गई, अभी पेनल्टी लगाई नहीं गई, सिर्फ क्या लगाया गया है, टैक्स और इंटरेस्ट। तो आपको ये 30 दिन के अंदर उसका भुगतान करना है। तो आइए देखते हैं, अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं और ऑफिसर अकेला डोनेशन ऐड करता है तो आपका टैक्स और इंटरेस्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखें, अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है 147 में, और मैंने यहाँ एजम्पशन लिया ओनली फॉर बोनस डोनेशन, ओनली फॉर दिस एलएच बोगस डोनेशन, और मैंने ये दूसरा एजम्पशन लिया है कि मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ है 31 मार्च 25 को, लास्ट दिन को, तो क्या होगा। तो ध्यान दें, अगर किसी का डोनेशन 1 लाख है, इनकम टैक्स अधिकारी ने ऑर्डर में 1 लाख ऐड किया है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30%, 30,000 मान लेते हैं उसका टैक्स ब्रैकेट 30% है, उसके ऊपर 4% टैक्स, यानी टोटल टैक्स क्या बनेगा 31,200। अब ध्यान दें, यहाँ इंटरेस्ट कब शुरू होगा, तो हम कौन से असेसमेंट की बात कर रहे हैं, 1920, तो उसकी पहली तारीख कौन सी होती है, 1 अप्रैल 19, वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, और कब तक, जब अधिकारी ऑर्डर पास करेगा तब तक। तो अधिकारी ऑर्डर कब पास कर रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 25 तक, यानी पूरे 6 साल का इंटरेस्ट आपके पर लगने वाला है, यानी 6 साल यानी कितने महीने हुए, 72 मंथ्स, और हर महीने का 1% पर मंथ, तो आप 31,200 पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट बनने वाला है 22,460। तो ऑफिसर टोटल टैक्स इंटरेस्ट की आपसे डिमांड करेगा, तो मैंने जो बताया ना नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 156 के अंतर्गत, तो आपको नोटिस ऑफ डिमांड में ये बताया जाएगा कि आपको 30 दिन के अंदर कितने पैसे, कितना भुगतान करना है, 53,660, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल फीस चुकानी होगी, ये पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैंडल करने की, वो आपका एक खर्चा होगा, और बाद में आपको नोटिस दी है तो फ्यूचर में आपको ये पेनल्टी लग सकती है। अगर आप आगे लड़ने के बाद इनकम टैक्स में जीत जाते हैं तो ये टैक्स भी नहीं लगेगा, पेनल्टी भी नहीं लगेगी, लेकिन मान लो आगे लड़त जारी रखने के बाद अगर आप हार जाते हैं, हायर फॉरम में आप हार जाते हैं, तो आपको ये पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी फिक्स है 200% ऑफ टैक्स, दैट इज 62,400। तो आई थिंक क्लियर हुआ। तो पहले आपका असेसमेंट ऑर्डर आएगा, और असेसमेंट ऑर्डर के साथ सिर्फ क्या आएगा, डिमांड आएगी, और ये पेनल्टी को लेकर सिर्फ नोटिस आएगी, अभी पेनल्टी लगाएंगे नहीं, ये पेनल्टी लगानी नहीं लगानी, ये आगे की आपकी लड़त जारी रखने के बाद आप हारते हैं जीतते हैं उसके पर कुछ आधार रखता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपका अभी इमीडिएट खर्चा क्या होगा ऑर्डर आने के बाद, 53,600 प्लस प्रोफेशनल फीस,
ये सारी जो एसेसमेंट प्रोसेसिंग 2 साल चलने वाली है, आपको बहुत सारी नोटिसेस देंगे वो लोग, उस नोटिसेस के जवाब देने पड़ेंगे, उसकी जो प्रोफेशनल फीस है वो आपका एक और खर्चा रहेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये ऑर्डर आने के बाद आपके पास रेमेडी क्या है। तो यहाँ रेमेडी तो आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली 2 स्टेज तक आपको जाना पड़ेगा। 2 स्टेज की जो रेमेडी है वो बताने जा रहा हूँ। पहली रेमेडी है, आपको पहले क्या करना है, स्टेज 1 में जॉइंट कमिश्नर अपील को आपको अपील फाइल करना है। आपको जॉइंट कमिश्नर अपील को बताना है कि जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से मैं सहमत नहीं हूँ। ध्यान दे, ये अपील आपको दाखिल करनी है, दर्ज करनी है विद इन 30 डेज ऑफ डिमांड नोटिस। तो आपको जो 156 नोटिस ऑफ डिमांड आई है उसके 30 दिन के अंतर्गत आपको जॉइंट कमिश्नर अपील को अपील दर्ज करनी है। यहाँ ध्यान दे, लॉ तो ये कहता है कि आप पूरा टैक्स 30 दिन में चुका दीजिए। मैंने ऊपर बताया ना अभी, ये जो मैंने अमाउंट बताई 53,660, ये आपको 30 दिन में जमा करनी है। लेकिन गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है, अगर आप अपील दर्ज कर रहे हैं तो आप 20% टैक्स जमा करके आप अपील दर्ज कर सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आपको ये 20% टैक्स गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसका 20% जो आपका डिमांड आया वो आपको, जैसे मैंने यहाँ ऊपर दिखाया 53,660, उसका 20% यानी करीबन 11,000 रुपये आपको जमा करके अपील दर्ज करनी चाहिए। और बाकी 80% जो डिमांड है उसके लिए आपको एसेसिंग ऑफिसर को लेटर लिखना चाहिए कि बाकी की 80% आप बाद में रिकवर करें, क्योंकि मैंने अपील दर्ज की है और संभावना है कि आगे हायर अथॉरिटी के सामने मैंने जो अपील दर्ज की है उसमें मेरी जीत होने की संभावना है। इसलिए आप अभी 20% रखें और 80% की रिकवरी ना करें, ऐसा आपको स्टे पिटीशन एसेसिंग ऑफिसर को दर्ज करनी है। साथ साथ आपको एसेसिंग ऑफिसर को ये भी रिक्वेस्ट डालनी है कि जो पेनल्टी की आपने नोटिस दी है आप अभी ये पेनल्टी लागू ना करें, क्योंकि आपने जो मेरे पे डिमांड निकाली है उसके सामने मैंने आपकी जो हायर अथॉरिटी है जॉइंट कमिश्नर उसको मैंने अप्रोच किया है और मेरी मैटर वहाँ पेंडिंग है। हो सकता है कि वहाँ मैं जीत जाऊँ तो फिर पेनल्टी लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये हायर अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती है तब तक आप मेरे पे पेनल्टी लागू ना करें। तो ये आपको उसकी स्टे एप्लीकेशन डालनी है। अब ये जॉइंट कमिश्नर अपील साहब हैं वो कितने टाइम में ऑर्डर पास करेंगे, तो डिपार्टमेंट सही है आप सही है, नॉर्मली एक्ट में टाइम बताया गया है 1 साल के अंतर्गत। तो इनकम टैक्स कमिश्नर जो हैं वो 1 साल के अंतर्गत डिसाइड करेंगे कि आपकी बात सही है या इनकम टैक्स ऑफिसर की बात सही है। जो मेरा अनुभव है लिटिगेशन को लेकर और मेरी जो समझ है जिस तरह की उनके पास ये सारे उनके पास इंफॉर्मेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेकर लिटिगेशन का, मेरा ये मानना है कि कमिश्नर के सामने आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी डिपेंड्स ऑन दी आपकी फैक्ट क्या है, आपकी रजूआत क्या है, उसके सामने आपका सबमिशन क्या है और आप जॉइंट कमिश्नर अपील साहब बैठे हैं उन वो आपकी फैक्ट को किस तरह समझते हैं, किस तरह देखते हैं, एसेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर कैसा है, ये सब कुछ देखने के बाद जॉइंट कमिश्नर साहब डिसीजन लेंगे। लेकिन जो मेरी समझ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये जॉइंट कमिश्नर अपील का निजी मामला है कि किसको फेवर देनी या किसको फेवर नहीं देनी, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस। बट अगर मान ले अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप कमिश्नर अपील के सामने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो एसेसिंग ऑफिसर अब रिकवरी करेगा जो बाकी का 80% है उसके लिए, और साथ साथ 1 साल का और इंटरेस्ट भी आपसे मांगेगा। इसके अलावा कमिश्नर के ऑर्डर आपकी फेवर में नहीं आने की वजह से एसेसिंग ऑफिसर में इम्पोज पेनल्टी, और पेनल्टी मैंने ऑलरेडी बताई आपको क्या लग सकती है, आपको 200% ऑफ टैक्स। पेनल्टी का अमाउंट फिक्स रहने वाला है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। पेनल्टी का अमाउंट क्या रहेगा, 62,400 इस केस में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब इस केस में आपकी कॉस्ट क्या होने वाली है, तो एक तो आपको गवर्नमेंट को अपील फाइलिंग फ़ी चुकानी है 1,000 रुपये। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल चार्जेस देने हैं, ये अपील की जो टैक्स लिटिगेशन के जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको आपको प्रोफेशनल चार्जेस चुकाने हैं। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता जाएगा 1% पर मंथ, जितना भी आपने 80% नहीं चुकाया है उसके पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ योर कॉस्ट इन्वॉल्व एट स्टेज 1।
अब यहाँ आप हार चुके हैं तो आगे आप कहाँ जा सकते हैं, ध्यान से देखें, आप हायर अथॉरिटी हैं जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके बाद आती है हाई कोर्ट और उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट। तो सेकंड स्टेज है ITAT, थर्ड स्टेज है हाई कोर्ट और फोर्थ स्टेज है सुप्रीम कोर्ट। हम डिस्कशन करने वाले हैं ITAT तक। ITAT ध्यान दे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है, जबकि ITAT इज फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ITAT इज एन इंडिपेंडेंट फोरम, जो हमारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच का झगड़ा है उसका, उसके बारे में उनकी राय देगी, उनका जजमेंट देगी, ठीक है। यह अपील आपको दर्ज करनी है ITAT के सामने विद इन 60 days ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर अपील ऑर्डर। तो आपका जो हायर अथॉरिटी है ज्वाइंट कमिश्नर, उसका ऑर्डर आने के 60 दिन के अंदर आपको अपील दर्ज करनी है। अब सवाल ये उठेगा कि ये इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसके सामने हमारी जीतने की संभावना कितनी है। तो ध्यान दें, ये जीतने की संभावना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि पहले आपके केस की फैक्ट क्या है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि वाइफ को नोटिस आया, जबकि वाइफ ने कोई डोनेशन नहीं दिया है, सिर्फ वाइफ इज़ ए जॉइंट अकाउंट होल्डर, तो ये फैक्ट पे डिपेंड करता है। फिर आपने क्या ग्राउंड लिए हैं, तो आपके जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो लिटिगेशन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए हैं, उसके ऊपर भी आधार रखता है। फिर ट्रिब्यूनल में कौन प्रोफेशनल अपीयर हो रहा है, उसके ऊपर भी आधार रखता है। अपीयर होने के बाद क्या आर्ग्यूमेंट होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर तय होगा कि डोनर को फेवर मिलेगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पास्ट जजमेंट्स क्या है ऐसे फैक्ट और ऐसे केस को लेकर, वो भी ट्रिब्यूनल ध्यान में लेती हैं, और ट्रिब्यूनल इसका ऑर्डर पास करेगी ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर। तो अपील दाखिल करेंगे, एक्ट में लिखा गया है मैक्सिमम 4 साल के अंदर। मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रिब्यूनल को लेकर, नॉर्मली आप अपील दर्ज करेंगे तो 4 साल नहीं लगे, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर तक ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि आपकी बात सही है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है। यहाँ आपकी क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ध्यान से देखें, आपको गवर्नमेंट को फीस चुकानी है अपील दर्ज करते वक्त, ये गवर्नमेंट की फीस है। जो आपकी टोटल इनकम है उसका 1%, उसके पर अपर कैप है 10,000, और नॉर्मली जिन लोगों ने भी डोनेशन दिया है उनकी टोटल इनकम 10 लाख से ज़्यादा ही होने वाली है, तो इस सिचुएशन में उनकी फाइलिंग फ़ी 10,000 होगी। तो ध्यान दें, स्टेज वन में 1,000 आपको चुकानी है गवर्नमेंट को, और 10,000 स्टेज टू में, ये आज के अपील फाइलिंग के रेट हैं, अगले 3-4 साल में रेट बदल भी सकते हैं। इसके अलावा इसके जो एक्सपर्ट रहते हैं ट्रिब्यूनल के, उनको आपको प्रोफेशनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने अगर डिमांड नहीं चुकाई है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट माउंटिंग होती जाएगी, जितना भी आपने अनपेड किया है उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जिन लोगों को सरेंडर नहीं करना है, जिनका ये मानना है कि हमारा डोनेशन ठीक है, हमारे पास काफ़ी सबूत हैं डोनेशन को लेकर, और हमने कोई कैश, ऐसी कोई कैश रिसीव नहीं की है, और हम इसके सामने लड़ सकते हैं, हमारे पास पास जजमेंट भी है, उनके टैक्स एडवाइज़र, उनके टैक्स कंसल्टेंट का ये मानना है कि ये मैटर आगे जाकर ये जीत सकते हैं, तो मेरी उनके सजेशन है कि जो टैक्स की अमाउंट है, डिमांड की अमाउंट है, उसका 100% भुगतान कर दें। इसलिए आप इंटरेस्ट कॉस्ट अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप 100% भुगतान कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। ध्यान दें, आपकी पेनल्टी तो फिक्स ही रहती है। हाँ, पेनल्टी का ऑर्डर आने के बाद अगर आप उसको नहीं चुकाते हैं तो आपका उसके पर भी इंटरेस्ट लागू पड़ता है, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बताया कि पेनल्टी बहुत देर से करते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि जॉइंट कमीशन अपील के ऑर्डर के बाद, और कभी कभी कुछ केस में ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद ही पेनल्टी करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान दें कि आपकी डिमांड जो है टैक्स प्लस इंटरेस्ट, उसका आप 100% भुगतान कर दें, जिससे आप ये जो कॉस्ट है इंटरेस्ट माउंटिंग वाला, उसको आप ज़रूर बचा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस गाइड, सब्सिक्वेंट असेसमेंट में अगर डोनेशन किया है तो उसके लिए मेरे क्या प्रस्ताव है। तो इस सब्सिक्वेंट ईयर को लेकर अभी आपको नोटिसेस जारी नहीं की गई हैं, और आपने डोनेशन दिए हैं इसी 23 पॉलिटिकल पार्टी को ही। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के अंतर्गत आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, आप अपडेटेड रिटर्न दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, अपडेट रिटर्न दर्ज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो इस कंडीशन के लिए आप आपके टैक्स एडवाइज़र की आप उससे आप सलाह मशवरा ज़रूर लें। आप ये अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं मोस्टली सारे केसेस में, उसके लिए आपको 24 मंथ्स का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ AY। ध्यान दें, फ्रॉम द एंड ऑफ AY। अभी हम चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में,
यानी हम अभी हैं अप्रैल 23-24 के अंतर्गत, तो इस दौरान हम कितने रिटर्न अपडेट कर पाएंगे? तो दो असेसमेंट के रिटर्न अपडेट कर पाएंगे, एक है 21-22 और दूसरा है AY 22-23। तो इस साल में आप दो असेसमेंट के रिटर्न अपडेट कर पाएंगे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, AY 2021 का रिटर्न आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या, ध्यान से समझे, AY 1920 उसको लेकर तो आपको नोटिसेस मिल चुकी हैं, अपडेट रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे कौन से AY को लेकर, 21-22। तो बीच में कौन सा छूटा जा रहा है, 2021 छूटा जा रहा है, उसको लेकर अपडेटेड टाइम अपडेट रिटर्न आप अब दर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 24 मंथ्स कब के ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए AY 2021 को लेकर भी संभावना है कि आपको वापस 148A की नोटिस मिल सकती है, ठीक है। अब अपडेट रिटर्न में अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं ये डोनेशन मेरा क्या है, बोगस है, तो आपको क्या करना होगा, AY 21-22 को लेकर आपको उसके पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा एक एडिशनल टैक्स है, एडिशनल टैक्स किसके पर है, टैक्स एंड इंटरेस्ट का 50%। कौन से AY की बात कर रहा हूँ मैं, 21-22। तो आपको टैक्स चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, एडिशनल टैक्स, और एडिशनल टैक्स कितना होगा, टैक्स और इंटरेस्ट का 50%, इतना आपको रिटर्न फाइल करने आपको चुकाना होगा। इसके अलावा अपडेट रिटर्न फाइल करने की आपको टैक्स प्रैक्टिशनर जो आपके हैं उसको आपको फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है तो थोड़ा फर्क है, यहाँ आपको टैक्स तो चुकाना ही चुकाना है डोनेशन के ऊपर, प्लस इंटरेस्ट है, ये दोनों के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स है, लेकिन एडिशनल टैक्स का परसेंटेज थोड़ा कम है। AY 22-23 को लेकर कितने परसेंटेज हैं, 25%। इसके अलावा आपको क्या देना है, टैक्स प्रैक्टिशनर को फीस भी देनी है। तो जिन लोगों ने सब्सिक्वेंट ईयर के लिए डोनेशन दिए हैं उनको ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके लिए वो उनके टैक्स एडवाइजर या टैक्स प्रैक्टिशनर से उनकी उनसे सलाह मशवरा लेकर ये डिसीजन लें। तो मैंने मेरे सामने से, मेरी तरफ से जितने भी सुझाव थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो उसको ध्यान में लेकर आपकी जो भी नोटिसेज आई हैं या जो नोटिसेज नहीं आई हैं या जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसके लिए आप ठीक ठीक डिसीजन लें, ऐसी आपको शुभेच्छा। थैंक यू।